बीपीएससी में बहाल नवनियुक्त शिक्षकों को दी जाएगी कल नियुक्ति पत्र। अब उसको लेकर के जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारी पूरी कर ली गई है। तस्वीर देखिए, ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना की है, जहां पे तमाम तैयारी की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। लगभग 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। ऐसे में देखिए तैयारी किस तरह से की गई है, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के हो या जो शिक्षक आएंगे उसके इंतजाम को लेकर के हो, पूरी तैयारी की गई है। 25,000 लगभग कुर्सी भी लगाई गई है और पंडाल की भी व्यवस्था की गई है, यहाँ जो शिक्षक पहुँचे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। 5,000 के आसपास जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, तो वहीं 20,000 के आसपास जो है मंत्री जो मंच पर उपस्थित रहेंगे वो नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, जहां पे पूरी व्यवस्था है, एक तरह मंच भी बनाया गया है जहां सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी रहेंगे, बिजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे, वहीं विजय चौधरी भी रहेंगे और शिक्षा विभाग के मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। सभी मंत्री जो है 20,000 जो नियुक्ति पत्र देनी है, टोटल 25,000 पटना के गांधी मैदान से देना है, लेकिन उसमें जो 20,000 नियुक्ति पत्र बांटनी है मंत्रियों के द्वारा, वो तमाम मंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे, 5,000 सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बांटा जाएगा। लेकिन देखिए यह ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीर है, जहां पे जो है मंच के साथ साथ तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो की गई है। कल 2 नवम्बर है और कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार होगा जब एक विभाग से लगभग 1,20,336 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, जिसमें 25,000 तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बांटा जाएगा, वहीं 1,00,000 के आसपास बात करें तो गिरिजिला जिला, जितने भी गिरिजिला जिला हैं उन शिक्षकों की, वहां से उनकी नियुक्ति पत्र मिलेगी। प्रभारी मंत्री भी अलग अलग जिला में बनाए गए हैं, वहाँ पर मंत्री भी रहेंगे और वहाँ से उन तमाम जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यहाँ व्यवस्था भी खासा इंतजाम किया गया है। बात करें सुरक्षा को लेकर के, उसकी भी पुख्ता इंतजाम की गई है, चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, लगभग कहा जा रहा है हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी की तैनाती रहेगी। वहीं पे बात करें कि जो यहाँ अधिकारी हैं वो भी तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या जो है वो उत्पन्न ना हो। 25,000 की संख्या में रहेगा और पूरा गांधी मैदान जिस तरह से है भरा हुआ रहेगा 25,000 के आसपास, तो इसको लेकर के कि कहीं किसी तरह का चूक ना हो, और शिक्षक जब पहुंचे तो उन्हें जो है खाने पीने से लेकर के जो है यहाँ तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रहे। और यह कल का दिन जो है ऐतिहासिक दिन होने वाला है, और यह इस दिन को महागठबंधन भी कह रही है कि ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।